उठा लो नहीं, देखना वेखना कुछ नहीं है। आप करो अपना काम, उठाओ ये निगार भी। वो जिम्मेदारियां हमारा भी निभाना फर्ज बनता है, तो हम जब आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। एक दिन का निवाला एक दिन का मसला नहीं जी सर, ठीक है, तो ये तो चलता रहना चाहिए ना जी सर। जिसकी जरूरतें हैं कोशिश कर ये रहनी चाहिए कि हम सबको साथ में आकर सारी चीजें तुल ये ती है बसान तीन मैं 118 बटालियन का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर हम गरीब गुजर बकरवाल लोगों के लिए ये राशन आज पैकेज भेजी हमारे लिए। हम भी कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट को हमारी तरफ फौरी तौर ध्यान, जैसे इन्होंने ध्यान देने, जब इनको हमें पता लग गया कि इस पहाड़ी में ये गुजर बकरवाल लोग रहते हैं, ये पहुँच जाए तो गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ कोई रहने वाला है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इस बात में गवर्नमेंट को भी अपना ख्याल करना चाहिए, हम गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जो ये प्रोग्राम रखा है, इसी तरह वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। आर्मी की तरफ से तो होता है, सीआरपी की तरफ से होता है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें गरीब लोगों के लिए कोई तवज्जो नहीं रखती। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ हमें कोई सहूलियत नहीं है। हम चाहते हैं कि यह यात्रा जो है वो आनी चाहिए और यहाँ को लोगों की मुश्किलात दूर होनी चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं, मैं जब स्कूल पढ़ता था 1995 से लेकर आज तक मैंने फोर्सेस के साथ यहाँ यात्रा में हमने काम किया है,
और यहाँ हमारा जो इलाका है ये बहुत ही एक अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, लेकिन गरीब लोगों की मदद के लिए जो प्रोग्राम आज जनाबी वाला की तरफ से हुआ है ये बहुत ही खुश आइंद है, बहुत ही दिलचस्प है। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से जनाब कमांडर साहब को और तमाम जो हमारे आला अफीसर साहब हैं उनका हम शुक्रगुजार हैं। 118 बटालियन CRPF को मैं दिल की गहराइयों से मुबारक देता हूं और हमेशा चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। आज एक्चुअली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सस्पेंड होने के बाद जो यहाँ पर हमारे पौनी वाले थे, हमारे जो साथी थे, हमेशा यहाँ से लेकर के हमें जाते थे और हमेशा आते हैं, हमारी जो यहाँ से कंपनियाँ चढ़ी हैं ऊपर उनको भी लेकर के गए हैं, तो उन्होंने अपनी समस्या रखी कि साहब हमारी जो यहाँ पर रोजी रोटी है वो पौनी से ही चलती थी, श्री अमरनाथ जी यात्रा से ही चलती थी, अभी अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है तो हमारे लिए दुश्वारी आ गई है। तो इस बात को हमने हमारे IG मैडम से उनके सामने रखा तो उन्होंने IG श्रीनगर मिस चारू सेना ने श्री सत्यसाई संस्थान से संपर्क करके ये उनके साथ मिलकर के एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें 25 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अलग अलग 2-2 किलो दालें, तेल 4 किलो, बाकी मसाले और सारा सामान जो इनके लिए एक महीने के राशन पूरा मुफीद हो सकता है उसका इंतज़ाम किया है और इनकी फौरी राहत इनके लिए मुहैया करवाई है। इसके लिए मैं श्री सत्यसाई सेवा संस्थान और अपनी IG श्रीनगर मिस चारू सेना मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनकी दुश्वारी समझी और इनके साथ आज इनकी इस घड़ी में समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।